हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। तो ये दोपहर के 12 बजे का टाइम हो रहा है और मैंने अपने हस्बैंड की फ़ोटो फ्रेम बनाई है। बताना आप लोग कैसी लगी। और मेरी बेटी ने मैगी बना लिया था तब तक, और फिर हम सब मिलके बैठ के खाने के लिए एंजॉय कर रहे हैं मैगी। आप सब भी आ जाइए मैगी खाने के लिए, मेरी बेटी के हाथों का बना हुआ, और वो टीवी देख रही है। तो चलिए खा लेते हैं मैगी। और उसके बाद जो है शाम के ये 6 बजे की क्लिप है, और मेरी बेटी को लगी थी भूख, वो ट्यूशन से आई थी और दोपहर को सबने मैगी खाई थी इसलिए भूख लग गई हम सबको। तो मैं चिल्ला बना रही हूँ, आटे का चिल्ला है ये, तो मैं इसी तरीके से आटे का चिल्ला बना लेती हूँ। और आप लोग भी चिल्ला खा लीजिए मेरे हाथों का बना हुआ। और देखिए मैं इसी तरीके से जो है फैला लेती हूँ पूरे तवे पे चिल्ला, किसी भी चिल्ला हो मैं इसी तरीके से तवे पे फैलाती हूँ मैं। और फिर मैं जो है दुकान गई थी दूध लेने के लिए, मैं और हस्बैंड। तो ये हमारे दुकान का रास्ता हैगा, हमारे घर से थोड़ी दूर में ही ये दुकान हैगी, तो वहीं का रास्ता हैगा। तो आप लोगों को मैं दिखा रही थी रास्ता, तो आप लोग भी देख लीजिए हमारे घर के यहाँ का रास्ता। और ये जो हमारे घर के बाहर से जो खेत दिखाई देता है ना, मैं आप लोगों को कई बार दिखा चुकी हूँ, मेरे घर के सामने ही खेत हैगा ये। और ये रोड जो है हाईवे को जाती है, तो आप लोग भी देख लीजिए। और ये जो धान लगे हुए हैं कितने अच्छे हो गए, और ये एक दिन में ही पानी इसका सारा सूख जाता, रोज़ इसमें पानी भरते हैं तब जाके धान में पानी दिख रहा है आप लोगों को। रोज़ इतनी गर्म, इतनी ज़्यादा गर्मी है कि रोज़ इसमें पानी भरना पड़ता है इस धान में, पता नहीं कैसे खेती होगी भगवान। तो चलिए अब आप लोग भी देख लीजिए। और फिर दुकान से आने के बाद मैं खाना बनाने लगी थी, खाने में तो सब्जी बनी हुई थी क्योंकि दिन में किसी ने सब्जी खाई नहीं सुबह की, तो रात की वही हो जाएगी हमारे लिए। और मैं चावल बना रही हूँ, फ्राई राइस बना दूँगी, जीरा राइस बनाऊँगी क्योंकि मेरी बेटी सब्जी नहीं खाएगी, वो सिर्फ जीरा राइस खाएगी। तो वही मैं तड़का लगा रही हूँ और अपने हस्बैंड से और बच्चों से बातें करने जा रही हूँ, और कुछ बड़बड़ लगा रखा, डांट भी रही हूँ मैं साथ ही साथ बच्चों को। बच्चे बहुत परेशान करते हैं मुझे सारा टाइम, ये स्कूल जब से बंद हुआ ना बहुत ज़्यादा बच्चे परेशान करते हैं। और जो है बोलते बोलते मुझे बहुत तेज़ प्यास भी लग गई थी इसलिए मैं पानी पीने लगी थी। और गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है, इतनी भयंकर गर्मी हो रही है कि मैं क्या बताऊँ आप लोगों से, बता नहीं सकते। एक तो एक ही रूम में खाना भी बनाना होता है, इसी में हमें सोना भी होता है, इसलिए बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। अगर कूलर ना हो ना तो शायद बर्दाश्त भी ना हो गर्मी, क्योंकि कूलर की वजह से हमारा रूम ठंडा रहता है, गर्म नहीं होता। बस खाना बनाते समय गर्मी थोड़ी लगती है, बाकी ठंडा रहता है रूम कूलर की वजह से, तो सारा टाइम कूलर चलता रहता है ना इसीलिए। तो मैंने चावल में तड़का लगा दिया, जीरा का तड़का दे दिया और उस पर पानी डाल दिया, और कुकर को कर दूंगी बंद, एक सीटी आने तक इसको बनाऊंगी, और उसके बाद एक सीटी आने के बाद गैस बंद कर दूंगी। तो चलिए अब मेरा खाना बन चुका है, और देखिए मेरे हस्बैंड मेरे बच्चे कैसे लेट के कूलर की ठंडी ठंडी हवा ले रहे आराम से, और मैं गर्मी में खाना बना रही हूँ। ऐसी होती है औरतों की ज़िंदगी, सारे फैमिली जो है बैठे होते कूलर के आगे और हम खाना बनाते। तो मैं अपने बेटे के लिए दूध और रोटी दे रही हूँ उसको, वो चावल नहीं खाएगा, वो दूध और रोटी खाएगा, उसे सब्जी भी नहीं खानी है। तो उसमें दूध में मैं थोड़ा सा 1 चम्मच चीनी डाल देती हूँ, और ये अपनी बेटी के लिए चावल निकाल देती हूँ, फ्राई राइस जो बनाया था वो दे दूँगी खाने के लिए। मैं और मेरे हस्बैंड राइस और रोटी खाएंगे और सब्जी के साथ। तो चलिए सबको खाना दे देती हूँ, और उसको अचार दे देती हूँ अपनी बेटी को, मेरी बेटी गई तो मुझे अचार खाना है तो अचार दे देती हूँ। तो चलिए आप लोग भी आ जाइए हमारे साथ डिनर करने के लिए, जो भी मैंने बनाया थोड़ा बहुत आप लोग भी आ जाइए खाने के लिए। तो ये मेरी प्लेट है सब्जी रोटी और चावल, और मेरे हस्बैंड की प्लेट, सभी में बैठ के खाना खा रहे हैं शाम के, बस एक साथ बैठ के खाना खाने का बहुत मज़ा आता है। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करके जाना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और कमेंट करके बताइएगा मेरी वीडियो में आप लोगों को क्या पसंद आया। तब तक के लिए बाय बाय।